नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या मोनिटोरियम पीरियड के समाप्त हो जाने के बाद बैंक किसी व्यक्ति के खाते को NPA घोषित कर सकता है? क्या बैंक अपनी EMI वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट्स को भेज सकता है, या फिर लोन के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को बैंक वसूल सकते हैं कि नहीं? कस्टमर्स के मन में ये सवाल हमेशा पैदा होते हैं कि क्या लोन मॉरेटोरियम की जो अवधि थी मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक, उसके बाद सितंबर महीने अक्टूबर महीने में जो EMI ड्यू है, क्या उसको बैंक वसूल सकती है, या फिर उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट है उसको बैंक वसूल सकती है, या फिर इन 3 महीनों में यानी कि जब तक डिसीजंस नहीं आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सितंबर अक्टूबर या फिर नवंबर में भी यदि डिसीजन नहीं आते हैं तो लगातार 3 महीने की EMI नहीं पेड करने पे क्या बैंक किसी व्यक्ति के खाते को NPA घोषित कर सकता है कि नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, लोन मॉरेटोरियम का पीरियड जो था वह मार्च से लेकर के 31 अगस्त तक था, ये सबको पता है। सितंबर महीने से लेकर के अक्टूबर महीने और नवंबर महीने, ये जो 3 महीने हैं अभी तक जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 नवंबर को डिसीजन आने वाले हैं कि क्या इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, बैंक उसको वसूलेंगे या नहीं, या फिर उसको माफ़ करेंगे या नहीं, इस बात को लेकर के केस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस दौरान सितंबर महीना और अक्टूबर महीने की जो EMI है वो बाउंस ना हो जाए तो बैंक अपनी EMI को वसूलने के लिए कस्टमर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अब कस्टमर्स के मन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ आपको EMI देना है, या उस EMI के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट या इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अभी बैंक उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से वह लॉकडाउन से पहले काम करते थे और मोनिटोरियम पीरियड के पहले वो काम करते थे। कहने का मतलब यह है कि वह EMI भी वसूलेंगे और इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को भी वह वसूलेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे राहत उन छोटे छोटे कस्टमर्स के लिए है जो 2 करोड़ रुपए के लिमिटेड लोन में है, यानी कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है और जिनकी लिमिट 2 करोड़ रुपए है, उस पर जो लगने वाला ब्याज है सरकार उसको 15 नवंबर को लागू कर देगी और उसको माफ़ कर देगी। लेकिन जो बड़े अमाउंट के लोन हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और 2 नवंबर को फैसला आएगा। तो बैंक इस सिचुएशन में मोनिटोरियम पीरियड खत्म हो जाने के बाद से बैंक के पास वही अधिकार होंगे जो पहले मोनिटोरियम पीरियड के थे और जो लॉकडाउन के पहले थे, तो बैंक अपना काम उसी तरीके से करता आएगा। तो जितने भी बारोवर हैं उनके मन में यह शंका न रहे। यदि आपको लोन से संबंधित सरफेसी एक्ट संबंधित किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। विधि टेरिया चैनल के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर तुरंत दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।